हाय एवरीवन, नमस्कार फ्रेंड। आज के वीडियो में आपको पाश्चुराइजेशन ऑफ मिल्क के बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पाश्चुराइजेशन ऑफ मिल्क, ठीक है। तो फ्रेंड, इसके पहले जो है दो इन्फॉर्मेशन मैं बताना चाहता हूँ कि जो है पाश्चुराइजेशन टर्म किसने यूज किया जाता, ठीक है। पाश्चुराइजेशन टर्म किसने यूज किया था? लुईस पाश्चर ने। और फर्स्ट टाइम मिल्क पाश्चराइज किसने किया था, ठीक है। फर्स्ट टाइम मिल्क पाश्चराइजेशन किसने किया था? डॉक्टर सॉक्सलेट, ठीक है। डॉक्टर सॉक्सलेट कब किया था? 1886। टर्म पाश्चराइजेशन किसने दिया था? लुईस पाश्चर ने। और फर्स्ट टाइम मिल्क पाश्चराइज किसने किया था? डॉक्टर सॉक्सलेट ने 1886 में, ठीक है। अब बात करते हैं पाश्चुराइजेशन की। पाश्चुराइजेशन मेनली जो है थ्री टाइप से कर सकते हैं, 1, 2 एंड 3, ओके। फर्स्ट में क्या होता है? एलटी एलटी, इसको क्या बोलते हैं। सेकंड क्या है? एसटीएलटी। थर्ड वाला क्या है? अल्ट्रा हाई। टेम्परेचर, ठीक है, ठीक है। तो फ्रेंड, जो एलटीएलटी मतलब क्या होता है? लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। इसके लिए जो पाश्चुराइजेशन का क्राइटेरिया क्या है? 63 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसका जो क्राइटेरिया 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? दूध का जो मिल्क का एवरी पार्टिकल जो है 63 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट तक वो गर्म करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है तुरंत कूलिंग कर देते हैं, कितना? 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये होता है एलटीएलटी, ठीक है। इसको जो है बैच पाश्चुराइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये होगा कूलिंग 5 डिग्री। बैच पाश्चुराइजेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक बैच में उसको जो है कलेक्ट करके रखना पड़ता है 63 फॉर 30, ठीक है। दूसरा क्या है? एसटीएलटी, हाई टेम्परेचर लो टाइम। तो हाई टेम्परेचर क्या होता है? 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड, ये याद रखिए फ्रेंड। ये 30 मिनट था, ये 15 सेकेंड था, ठीक है। 72 टेम्परेचर सिर्फ 9 डिग्री बढ़ाया गया, ठीक है। टेम्परेचर 9 डिग्री बढ़ा दिए लेकिन जो है टाइम 15 सेकेंड, ठीक है। इसमें जो है मिल्क का एवरी पार्टिकल हीट किया जाता है 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड। तो ये जो है इसके बाद क्या करते हैं? कूलिंग तो करना ही पड़ता है 5 डिग्री सेल्सियस, ओके। अब अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पे क्या करते हैं? 135, मिल्क के एवरी पार्टिकल को 135 टू 150 डिग्री सेल्सियस हीट करते हैं, ठीक है, 135 टू 150। लेकिन फ्रेंड, इसमें होल्डिंग टाइम नहीं होता है, ये याद रखना है, होल्डिंग टाइम नहीं होता है, ठीक है। इसमें 30 मिनट था, इसमें जो है 15 सेकेंड था, इसमें होल्डिंग टाइम नहीं है, सिर्फ जो है मिल्क के पार्टिकल को टेम्परेचर देना 135 टू 150 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब फ्रेंड, बात आती है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर को। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर इससे पाश्चुराइजेशन करने के बाद क्या होता है? मिल्क को जो है टेट्रा पैक में या तो किसी में भी पैक कर दिया जाता है। तो टेट्रा पैक में जो है 5 लेयर होते हैं, ठीक है। पहला कौन सा लेयर होता है? पॉलीइथिलीन की लेयर होती है, पॉलीथीन की। फिर दूसरा जो है पेपर, जो पेपर यूज करते हैं, पेपर बोर्ड, ठीक है। फिर इसके बाद जो है पॉलीइथिलीन का वो यूज करते हैं। फिर जो है एल्युमिनियम फॉयल यूज करते हैं। फिर इसके बाद जो है पॉलीइथिलीन। तो फ्रेंड, ये 5 लेयर्स जो होता है इसमें रहते हैं, ठीक है। फ्रेंड, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर 135 टू 150 डिग्री सेल्सियस में चांसेस होते हैं कि उसमें जो है बैक्टीरिया रहे, ठीक है।
क्योंकि जो है उसका होल्डिंग टाइम कुछ नहीं है तो इतना रहे। तो इसके लिए क्या किया जाता है, एक टर्म यूज किया जाता है बैक्टोफ्यूगेशन। बैक्टोफ्यूगेशन ठीक है, इस टर्म को याद रखिए। बैक्टोफ्यूगेशन मतलब क्या होता है, इसको एक कंटेनर में रख के, मतलब कि टेम्परेचर देने से पहले एक कंटेनर में रख के उसको जो है सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। क्या किया जाता है, मिल्क को जो है सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। कितना, 10K to 20K RPM पे। ठीक है, ये सेंट्रीफ्यूज करने से क्या होता है, जो बैक्टीरिया जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं बैक्टोफिगुएसन। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें यूज करते हैं ELP सिस्टम। ठीक है, ये प्रिजर्वेशन का एक तरीका होता है। ELP सिस्टम क्या होता है, लैक्टोपरॉक्सीडेज इसमें कंटेंट रहता है। और H2O2 थायोसाइनेट, इसमें जो ELP सिस्टम में होता है लैक्टोपरॉक्सीडेज, ये जो है एंजाइम की तरह वर्क करता है, एंजाइम। ठीक है, और जो थायोसाइनेट रहता है ये सब्सट्रेट की तरह काम करता है। ठीक है, और बचा H2O2। फ्रेंड H2O2 जो है 800 ppm, लेस देन 800 ppm जो है परमिसिबल रहता है। फ्रेंड आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन मतलब रहता है 800, लेस देन 800 ppm, ये परमिसिबल रहता है किसके थ्रू, FAO के थ्रू। ठीक है, FAO ने इतना परमिसिबल किया है कि लेस देन 800 ppm यूज कर सकते हैं। लेकिन एक होता है PFA, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेंट, जो है इसको जो है अलाउ नहीं करता है। ठीक है, तो यही होता है ELP सिस्टम, इससे क्या होता है दूध प्रिजर्व किया जाता है। तो फ्रेंड ELP सिस्टम में क्या होता है, ये दो तरह का काम करता है। एक होता है बैक्टेरिसाइडल इफेक्ट एंड बैक्टेरियोस्टैटिक। ELP सिस्टम ठीक है, तो फ्रेंड सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, बैक्टेरिसाइडल जो है वो इफेक्ट किस पे दिखाता है, अगर कोई ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया पे जो है बैक्टेरिसाइडल इफेक्ट दिखाता है, और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उसमें जो है बैक्टेरियोस्टैटिक नेचर शो करता है। एक्चुअली फ्रेंड जो फैट ग्लोब्यूल रहता है उसकी साइज जो है 3 to 5 micron रहता है। ठीक है, 2 to 3 micron या 3 to 5 micron रहता है। तो होमोजिनाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, उसकी साइज़ को जो है रिड्यूस कर देते हैं, इतना रिड्यूस कर देते हैं कि वो लेस देन 1, जो फैट ग्लोब्यूल है लेस देन 1 इतना हो जाए, माइक्रॉन फैट ग्लोब्यूल साइज हो जाए इसको जो है। ठीक है, 60 to 65 degrees Celsius मिल्क लेते हैं, इसको जो है स्मॉल पैसेज से गुजारते हैं। ठीक है, और जो इधर प्रेशर मेंटेन करते हैं उधर 10 to 25 PSI, ठीक है, इतना जो है प्रेशर मेंटेन करते हैं और ये जो है स्मॉल पासेस से गुजारते हैं। तो यहाँ पे टम्परेचर जो है मिल्क का अप्रॉक्स जो है 75 to 80 degrees Celsius रहता है। ठीक है, तो फ्रेंड पास्चराइजेशन में यही करते हैं कि स्मॉल पासेस से जो है एक्स्ट्रा प्रेशर लगा के 10 to 25 PSI प्रेशर लगा के जो है मिल्क को गुजारते हैं। ठीक है, मिल्क जो है प्री हीट होना चाहिए 60 to 65 degrees Celsius, और बाहर जब निकलता है 75 to 80 degrees Celsius रहता है। तो ये प्रोसेस क्या होता है, पाश्चराइजेशन, सॉरी ये प्रोसेस क्या होता है, होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन में क्या होता है, जो फैट ग्लोबुल की साइज होती है उसको रिड्यूस कर दिया जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, जो ऊपर दूध रखने पे क्रीम बनता है वो नहीं बनता है। फिर अगर आप ऐसे ही कच्चा दूध रखते हैं तो नहीं बनता है। ठीक है, ओके फ्रेंड, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड मिलते हैं आपको किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पे। जय हिंद।